सर सुब्रत राय के साथ भी हुआ है। हाँ तो सुब्रत राय वेट वन मिनट वन और ऐसा यहां पर सहारा में 4000 सुसाइड हो रही है। ये जो आपने दिया ना एक्चुअली ये मतलब शॉकिंग है। इसको ना हाँ इसको सारे जुड़ी ये जो ये दिया इतने लोग जो सुसाइड कर रहे हैं ना ये बहुत शॉकिंग है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं फ्रेंकली बताता हूँ कि मैं मेरी भावना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में मुझे इतना बताया किसी एक व्यक्ति की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी एक व्यक्ति को एक घंटा जेल में जाने से रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 4000 मौतें हुई है। तो हमारे एमेकस क्यूरी एक पत्र लिखिए आप चंद्रचूड़ साहब को, इसमें आपको सुमोटो कॉग्निजेंस लेने की इच्छा नहीं हुई, आपके पास नहीं थे तो हम अभी दे रहे लिखकर एफिडेविट के साथ भेज रहे। तो हमको जो एक्शन लेना है हम तो लेंगे, लेकिन इनका दर्द देखो। और ये जो कह रहे एक एक बात, ये कोई सिखाए हुए वकील नहीं है, ये विक्टिम है। इनकी बात हर आदमी जिस तरह से सुन रहा है, इतना लेट हो गया है, मैं तो आधा घंटा पहले एडजर्न करने वाला था, लेकिन आप जिस तरह से बात बहुत अच्छी तरह से आपने बात रखी, आपकी मांग मतलब मुझे प्राइमा फैसी जायज लगती है, लेकिन चिंता मत करना आप लोग बेसहारा नहीं हो। ये बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट लॉयर एसोसिएशन है, इंडियन बार एसोसिएशन है, इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, ऐसे कई अवेकन इंडिया मूवमेंट है। ये लोग अपने स्तर पर आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे और बाय गॉड्स ग्रेस जल्दी ही पूर्ण न्याय मिलेगा। देखिए आपका पैसा जितना इन्वेस्ट हुआ उतना पैसा मिलना ये न्याय नहीं है। पैसा मिले पहला प्रायोरिटी क्या है, कोई आदमी अगर पानी में डूब गया तो पहले आदमी को पानी से निकालना है, बाद में उसके आदमी के पेट में गए बाद में पानी को बाहर निकालना है। तो वैसे ही आपका पहले जो पैसा मिल रहा है वो मिल जाए, लेकिन उसके साथ में जो पीड़ित है मतलब आपका कॉम्पेंसेशन अलग से मिले, इंटरेस्ट या जो मिलना चाहिए वो उसका क्राइटेरिया है। आपने जो भी दुख भोगा है, आपका जो भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट का नुकसान हुआ है, उस भी उस कॉम्पेंसेशन की आप लोग हकदार हो। और जो लोग नहीं रहे तो पीड़ित के परिवार को भी अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेबी वगैरह हमने क्यों बना के रखे, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्यों हम इतनी सैलरी दे रहे हैं उन लोगों को। एक्चुअली ये काम सेबी ने करना चाहिए था, आपके घर पे आकर करना चाहिए था। तो अभी उन्होंने जो जो गलतियां किया उनको क्या लगा कि ये लोग हवा में छोड़ दिए गए, मतलब अनाथ है ये। तो प्रॉब्लम क्या है कि विक्टिम लोगों का यूनियन ही नहीं है। लेकिन अभी हमारा एक सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन है, रशीद भाई उनके प्रेसिडेंट है, जिन्होंने अभी इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के खिलाफ। तो ये अगर यही केस सिस्टमेटिक तरीके से फाइल हो, आपके सारे मुद्दों को एक जगह लेकर उसको एप्रोप्रिएट जो स्टेप्स है मैं अपने जजमेंट में लिखूंगा जो भी स्टेप्स है, और देश के लोगों का समर्थन, कुछ नहीं करना है। आज के जमाने में सबसे बड़ा हथियार है आपका सोशल मीडिया मोबाइल फोन, सिर्फ जो चीजें आएंगी उसका सर्कुलेशन भी हो गया, चर्चा भी हो गई। इनको नेम एंड शेम इन पब्लिक चाहिए, और जब इनको डर आ जाएगा अधिकारियों को जजेस को कि नहीं देश की जनता जाग गई है अभी हमको जेल में जाने की बारी है, बाद में इनको सारे ह्यूमन राइट्स के लॉ याद आ जाएंगे और फिर वही नौटंकी करते हुए मैं रात में सो नहीं पाया, इन लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था करके मैंने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, तुरंत एक महीने के अंदर पूरा पैसा कॉम्पेंसेशन, मतलब ये सब नौटंकी भी होगी बाद में, तो आप चिंता मत करना। ये आपने जितना दुख भोगना था भोग लिया, अब इसके बाद में उसको अगर मैं ये कहूँ कि कंक्लूड करते तो वन मिनट हाँ कल करते हैं, तो इसको अगर मैं दो लाइन में कहूँ सहारा का भी पक्ष जो है वो रखना चाहिए। हाँ सहारा कंपनी का लेंगे ना। हाँ तो वो यस यस आज तो कोई नहीं है। नहीं नहीं कल कल रखते हैं ना, कल रखते हैं। और देखिए अन्याय किसी पर नहीं होगा। हाँ
इनकी हम आप गौर कीजिए, सिर्फ सहारा कंपनी नहीं, सहारा के एम्प्लॉय भी और निवेशक का कहना यह है, सहारा को अगर यह कहना है कि निवेशक की यह बात प्रॉपर नहीं है तो वह आके अपने सबूत दे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर अन्याय किसी पे नहीं होगा। हम निष्पक्ष न्याय के लिए बैठे हैं, किसी के ऊपर ना अन्याय होगा ना हम होने देंगे और किसका तुष्टिकरण भी नहीं होगा। लेकिन जो प्राइमा फैसी इनकी जो बातें सुन रहा हूं उसके बेस पे जस्ट मैं ये दो बातें कह रहा था, शुरुआत हम कल से करते हैं लेकिन बस एंड जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के या मैथिली शरण गुप्त जी के चार लाइनें, समय एक सा रहता किसका सदा, निशी दिवा से घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। निशी दिवा मतलब दिन और रात, विपदा संपदा ऐसा घूमती रहती है। तो समय एक सा रहता है किसका सदा, निशी दिवा से घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो है उत्सव मग्न आज, कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज, नरनाथ कल होता वही। तो इन्होंने सहारा वालों को या कॉमन मैन को अनाथ समझ लिया था, लेकिन वो भूल गए कि है ब्रह्मांड। आधी मिनट में इनके सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ, ठीक है अभी अभी कंक्लूड करते हैं फिर कल करते हैं। हाफ मिनट बस। जैसे कुशवा साहब ने बोला कि गांव में सहारा वाले जबरदस्ती रिसिप्ट लेते हैं, पेमेंट कलेक्ट करते हैं, ये इनकी बात 100% सही है। सुनिए, सहारा वाले नहीं, गवर्नमेंट ही पब्लिक से चीटिंग करती है। आई एम विक्टिम। ट्रैफिक पुलिस हैज फोर्सिबली स्टॉप्ड माय कार एंड थ्रेटन मी दैट वी विल अटैच योर कार टू यू पे, एंड रिसिप्ट क्या देते हैं, आई हैव वॉलंटरली कंपाउंडेड द ऑफेंस। This is the government that doing cheating and the government has given them equipment. Yes. So government should be go behind the bar. Gaur. सर आपसे अनुरोध है सर, कल भी हमको मौका मिलना चाहिए, कल भी कल है ना, कल आपका केस है और सुशांत सिंह का जजमेंट। जी मैं सहारा का भी नहीं हूँ और आपका भी नहीं हूँ, लेकिन एक थर्ड पार्टी इंडिविजुअल करके इस पे एक सही और 100% सॉल्यूशन है, जहां पर आपको पैसा भी मिलेगा और सहारा भी झुकेगा। लेकिन ये क्या सॉल्यूशन है कि मैं टेक्निकली कल पहले माननीय जज साहब से डिस्कस करके कल आपके सामने रखूंगा। वेलकम वेलकम, ठीक है। कोर्ट इज एडजर्न। कल जो कार्रवाई शुरू होगी, कल 1 बजे कार्रवाई शुरू होगी, तो कृपा करके 1 बजे से पहले सब लोग रहेंगे, ठीक है। कल 1 बजे कार्रवाई शुरू होगी, कल 1 बजे के पहले सारे लोग कोर्ट रूम में आ जाएंगे। आज कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित होती है। और जो लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये जनता की महाअदालत देश के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि सरकार की भी आंखें खुले, अदालत की भी आंखें खुले और जो दूसरी एजेंसीज हैं उसकी भी आंखें खुलें। बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू वेरी मच।